राइट दोस्तों, तो आज हमारे पास बहुत सारे टी-शर्ट्स हैं एक्सप्लोर करने को, और सारे टी-शर्ट्स की खास बात यह है कि ये किसी अमेज़न, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से नहीं आते, बल्कि सारे टी-शर्ट्स अपने ही अपने यूनिक ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, पहला टी-शर्ट आ गया हमारे पास में, ब्रांड का नाम है बॉन्कर्स कॉर्नर। आपको ये बता दूं कि किसी भी ब्रांड के थ्रू ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बॉन्कर्स कॉर्नर का आपको टैग मिल जाएगा। इस टी-शर्ट की खास बात क्या है कि इसमें पोलो शर्ट, स्वेट शर्ट और फुल स्लीव टी-शर्ट को ऐसे कंबाइन करके बनाया गया है। तो पोलो शर्ट जैसा इसमें आपको कॉलर मिल जाएगा, तीन आइकॉनिक बटन्स वाली डिजाइनिंग देखने को मिल जाएगी, शर्ट शर्ट्स की तरह आपको हैंड में कफिंग्स देखने को मिल जाएगी, एंड पूरे ओवरऑल टी-शर्ट का जो फैब्रिक है वो टी-शर्ट की तरह है, यानी हल्का हल्का लाइट लाइट। कलर की बात करें तो इसमें दो कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, एक है थोड़ा मस्टर्ड येलो टाइप का और एक पर्पल है, लेकिन थोड़ा फेडेड पर्पल टाइप का दिखता है, यानी लेस सैचुरेशन। साथ ही इन सारे कलर्स को हॉरिजॉन्टल पैटर्न्स में स्ट्रिप के थ्रू डिजाइन किया गया है, या समझ लो डाला गया है। ओवरऑल इसका व्हाइट कलर और ये सारे कलर्स और स्ट्रिप वाली डिजाइनिंग के साथ ये एक बहुत खूबसूरत टी-शर्ट बन जाता है। पोलो शर्ट की तरह इसमें आपको नीचे में साइड साइड में थोड़े से कट्स मिल जाएंगे, एंड ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूं इस टी-शर्ट को आप देख लो, एक बहुत अमेजिंग बॉन्कर्स कॉर्नर का टी-शर्ट है। देखो, लिंक मैंने दे पाऊंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आप अपने से जाकर खरीद सकते हो। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ऑलराइट, जो हमारा नेक्स्ट टी-शर्ट है ना, वन ऑफ द बेस्ट टी-शर्ट है इस पूरे हॉल का। अगर टी-शर्ट को देखोगे ना, सच बता रहा हूं, आपका दिल एकदम लपरपा उठेगा। जस्ट लुक एट दिस, पहली बार ये ब्रांड हमारे चैनल पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ब्रांड का नाम है ड्रीम आइलैंड। टी-शर्ट में आपको कोई टैग वैग नहीं मिलता, पूरा कॉटन का टी-शर्ट है, ओवरसाइज टी-शर्ट है। खास बात क्या है ना, इसके डिजाइन, अगर इसके नेक के पास में देखोगे ना, तो एकदम ना फॉल विंटर जैसा ना यहाँ पर पैटर्न बनाया गया है, जहां पर पत्तियां झड़ रही है, ब्रांचेस है। लेकिन खास बात क्या है कि ये पूरी डिजाइनिंग एम्ब्रॉयडर्ड है, जो की सुपर डुपर कूल लगती है, एंड टी-शर्ट को एक प्रीमियम लुक देती है। और अच्छी बात क्या लगी ना कि इसका नेक जो है ना थोड़ा सा छोटू है, लेकिन जब मैं पहनता हूँ तो ये गले में एकदम चिपक सा जाता है, और बॉडी में जो स्ट्रक्चर आता है ना, ओवरऑल बहुत ज्यादा अमेजिंग लगता है। फैब्रिक की भी बात करूं तो ऐसा एकदम पतला पतला जैसा फैब्रिक नहीं दिया गया है बॉन्कर्स कॉर्नर के। हमेशा से मुझे ये कमी बस लगी है ना कि उनके डिजाइनिंग्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन फैब्रिक क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव की जा सकती थी, जैसे कि इस टी-शर्ट में है। थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा हेवी जैसा फील होता है फैब्रिक, और बॉडी में अच्छे से फ्लो करता है। कलर की बात करें तो आप देख सकते हो मस्टर्ड येलो कलर का पूरा टी-शर्ट है। पीछे में आपको ड्रीम आइलैंड की ब्रांडिंग मिल जाएगी, जो कि सेम एम्ब्रॉयडरी के थ्रू है, एंड डेफिनेटली ड्रीम आइलैंड का ये हमारे चैनल में डेब्यू प्रोडक्ट है। ऑसम काम करती है कंपनी, मैं लिंक नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप जाकर डेफिनेटली ब्रांड को चेकआउट कर सकते हो। हालांकि एक बहुत बड़ा टी-शर्ट में लोचा मेरे साथ हो गया था, वो मैं आपको बाद में बता दूं। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मार्वल का एक बहुत तगड़ा टी-शर्ट, रेड वुल्फ का टी-शर्ट। भाई, इस साल हमने बहुत कम रेड वुल्फ के साथ काम किया। तो अगर टी-शर्ट की बात करें, रेगुलर टी-शर्ट है, लेकिन थोड़ा सा ना नीचे आपको यू या ड्रॉप जैसा कट देखने को मिलता है। इसमें आपको बेसिकली दो कलर्स देखने को मिलेंगे, एक है ब्लैक और एक है ब्लू। नेक की बात करें तो राउंड नेक है, लेकिन इसमें भी आपको हल्की सी ना बॉर्डरिंग या समझ लो पाइपिंग जैसी मिलेगी ब्लू कलर की। अब चूंकि ये टी-शर्ट आयरन मैन के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया है, तो यहाँ पर आपको चेस्ट में, सेंटर चेस्ट में एज लाइक आयरन मैन आर्क रिएक्टर बना हुआ मिल जाएगा। वही नीचे देखोगे तो जैसा मैंने आपको बताया यू कट जैसा मिलता है, उसमें भी आपको ब्लू कलर की बॉर्डरिंग मिल जाएगी, स्लीव में भी आपको बॉर्डरिंग मिल जाएगी, और चूंकि थोड़ा सा ऐसा मैकेनिकल टाइप का आयरन मैन का सूट वूट रहता है, वही ऐसा करके ना सर्किट पैटर्न्स यहाँ पर आपको दोनों स्लीव में बने हुए मिल जाएंगे। लेफ्ट स्लीव में आपको स्टार्क इंडस्ट्रीज ऐसा करके लिखा हुआ मिल जाएगा। टी-शर्ट के अगर पीछे देखोगे ना, तो यहाँ पर टोनी स्टार्क आपको सिग्नेचर मिल जाता है। ओवरऑल डिजाइनिंग के मामले में ना बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही पंची रखा गया है इसे, तो मेन जो जो कैरेक्टर्स की चीजें थी ना उसे डाला गया है, एंड डेफिनेटली कपड़ा बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। रेड वुल्फ में उतना ऐसा आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तो मार्वल का टैग मिल जाएगा, रेड वुल्फ का टैग मिल जाएगा, मार्वल यहाँ भी लिखा हुआ है, एंड डेफिनेटली जाना चाहो जा सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एक और बहुत खूबसूरत बॉन्कर्स कॉर्नर का टी-शर्ट, टैग दोनों तरफ आपको मिल जाएगा। फटाफट टी-शर्ट को देखते हैं, एक अमेजिंग ओवरसाइज्ड टी-शर्ट, जिसे एज अ काइंड ऑफ समझ लो कि जर्सी जैसा बनाया गया है। तो बेसिकली दो कलर आपको देखने को मिलेंगे, एक है ग्रीन एक है ब्लैक। ड्रॉप शोल्डर जैसा आपको देखने को मिलेगा, राउंड नेक मिलता है, और ये पूरा ना शोल्डर से जाते हुए स्लीव तक जाता है ये पैच, इस तरह से डिजाइन किया गया है। फ्रंट में देखोगे तो एज लाइक जर्सी यहाँ पर स्पोर्ट्स डेप बॉन्कर्स ऐसा लिखा हुआ है। राइट चेस्ट पे आपको एक टैग मिल जाएगा टाइगर्स क्लब करके, और ठीक जर्सी जैसा लेफ्ट बॉटम में आपको ऐसे बॉन्कर्स और कुछ कुछ लिखा हुआ ऐसे करके पैच मिल जाता है। वही अगर पीछे देखोगे तो पीछे में आपको सेम ऐसे बॉन्कर्स और 71 नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि एकदम प्रॉपर जर्सी जैसे फील देता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जर्सी जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल या पॉलिएस्टर टाइप का मटेरियल से बने होते हैं, ये पूरा कॉटन का बना हुआ है, 100% कॉटन इसमें यूज हुआ है, एंड डेफिनेटली कंफर्टेबल अच्छा टी-शर्ट है, जाना चाहो जा सकते हो। भाई, बॉन्कर्स कॉर्नर की जितनी भी डिजाइनिंग्स होती है ना, अच्छी होती, तगड़ी होती, और समझ लो कि YouTube की सबसे बड़ी बॉन्कर्स कॉर्नर की हॉल की है। उनके वेबसाइट में मौजूद जितने भी मार्वल कलेक्शन के टी-शर्ट्स थे ना, सारे हमने उसमें दिखा दिए हैं, तो मेक श्योर कि वो भी आप जाकर देख सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट टी-शर्ट एक और बहुत खूबसूरत रेड वुल्फ का
वाला टी शर्ट। देखो इंटरनेट पे जितने भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स होते हैं ना, जिसपे हमें ऐसा लगता है कि अच्छा प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, साथ ही सर्विस अच्छी होगी। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया खरीदो खरीदो और उसके बाद आपने खरीद भी लिया, उसमें उसके बाद फिर देख रहे रिफंड में प्रॉब्लम, आपको प्रोडक्ट नहीं पहुंच रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ध्यान रखता हूँ कि अच्छी चीजें ही खरीदूं। ऑलराइट, सो इस पर्टिकुलर टी शर्ट की बात करें, एक और बहुत खूबसूरत मार्बल के साथ कोलैबोरेशन में बनाया हुआ टी शर्ट है। मार्बल का टैग मिल जाएगा, रेड वुल्फ का टैग। यहाँ पर इस टी शर्ट को बाय ब्लैक पैंथर्स के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया है। राउंड नेक मिल जाएगा, शॉर्ट स्लीव मिल जाएगा, बीच में सेम यू कट टाइप की आपको डिजाइनिंग मिल जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। ऐसा लगता है ना कि टी शर्ट को खोल के पहनो, खूबसूरत भी लगता है। सेंटर में आपको बड़े ही कलरफुल तरीके से ब्लैक पैंथर का पूरा लोगो मिल जाएगा, फेस मिल जाएगा, बड़े ही यूनिक वगांडा की डिजाइनिंग लग रही है। वही अगर इसके स्लीव में भी देखोगे ना, तो वगांडा के कल्चर से इंस्पायर्ड डिजाइन आपको पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ज्यादा सुपर कूल लगते हैं। पीछे में भाई एकदम तगड़े तरीके से मस्टर्ड येलो कलर के थ्रू लिखा गया है वगांडा फॉरएवर। प्रिंट क्वालिटी की भी बात करें ना, अच्छी खासी तगड़ी प्रिंट क्वालिटी है। जिस बजट में ये सारे टी शर्ट आते हैं ना, अमेजिंग एक्सपीरियंस देंगे आपको। ड्रीम आइलैंड आपके लिए एक नया ब्रांड हो जा रहा है। तो जब हमने स्टार्टिंग में ड्रीम आइलैंड से मंगाया था ना, तो हमारे जो सेम टी शर्ट पे ना बीच में यहाँ पर ना दाग लगा हुआ था। हमने क्या किया, उनसे कंप्लेन किया, एंड कंपनी फटाफट रिस्पॉन्स कर रही थी, फटाफट हमारा काम हो रहा था भाई। एकदम ट्रू एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बार बार बोल दे रहा हूँ पेड प्रमोशन नहीं है। हमने कंप्लेन किया और उन्होंने फटाफट इसे रिजोल्व कर दिया, हमारे पास नया टी शर्ट आ गया, एक्सपीरियंस अच्छा था। अगर आपको ये वीडियो का एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा, मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके हमें इंस्टाग्राम में टेलीग्राम में फॉलो करना मत भूलिए। कभी के लिए बाय, जय हिंद, पेश बू।